वो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसको एक्सेप्ट करो और कंप्लेंट्स को हम कम करें। तो अब देखते हैं, आई थिंक हमारा सेटअप रेडी हो गया, तो अब देखते हैं हम कुछ नया सीखने वाले दीदी से। ओम शांति। जो बच्चों की डिमांड पर हम मैथ्स भी करेंगे, मेमोरी भी करेंगे, कंसंट्रेशन एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है, ऑल इन वन पैकेज रेडी। तो इसको हम कहते हैं M3 क्या? मैथ्स, मेमोरी एंड माइंड, ठीक। चलो तो अच्छा, हम अपनी मेमोरी कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आपको मालूम है आपके ब्रेन में कितनी कैपेसिटी है? 500 मोटी मोटी किताबें आप याद कर सकते हो, अपने ब्रेन में रख सकते हो। आप कहोगे तो हमारी तो पतली पतली किताबें होती हैं, वो भी 5 सब्जेक्ट्स, उसमें एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर का एक आंसर भी याद करना बहुत मुश्किल लगता है, लगता है। और आपके ब्रेन में पता है इतना पोटेंशियल, आप इतना सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क नहीं आता, आप हार्ड वर्क करते रहते हो। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, चलो स्मार्ट वर्क पे सुनोगे? एक बार क्या हुआ, मैं पुरानी कहानी सुना रही हूँ, सबको पता है, मेरे पीछे पीछे बोलना अगर आता है तो। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आ गया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। लेकिन कहानी नहीं खत्म हुई भाई, ये हमारे बचपन की कहानी थी। अभी वो कौवा बड़ा हुआ, पापा बना, ग्रैंड पापा बना, फिर पता है उसका एक दिन ग्रैंडसन, हाँ, जैसे आप अपने दादाजी के साथ जाते होंगे ना घूमने, ऐसे वो ग्रैंडसन कौवा अपने ग्रैंड पापा के साथ उड़ रहा था। तो एक बार उड़ते उड़ते उसको बहुत प्यास लगी, उसने कहा दादू आई एम फीलिंग थर्स्टी। तो दोनों नीचे उतरे, वही मटका था, पानी तो अभी भी कम था और भी कम था। तो दादाजी ने कहा तुम्हें पता है मैं कितना इंटेलिजेंट था, इतने साल पहले मैं अकेला आया और पानी इतना कम था, मैंने अपना ब्रेन यूज़ किया, मैंने पत्थर इकट्ठे करने शुरू करे और उसमें डालना शुरू किया, पानी ऊपर आ गया। अब ये ग्रैंडसन को इतनी मेहनत वाला काम अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा दादू मैं अभी आता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी। और वो उड़ के गया और 2 मिनट में वापस आया, उसकी चोंच में 2 स्ट्रॉज थे। हाँ, देखा ग्रैंडसन कितना स्मार्ट था। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें बहुत सारा इसमें इस, ये हमारा ब्रेन है ना, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर अगर हमें बहुत सारी चीज़ें फाइल सेव करनी है, आपको पता है कंप्यूटर में तो कितनी भी फाइल सेव हो सकती है ना, उसकी मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे ही हम अपने ब्रेन की मेमोरी को भी बढ़ा सकते हैं अगर हम मेमोरी को ट्रेन करना सीख लें। पता है कैसे करेंगे? एक गेम खेलें, है ना, आज हम यही करेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, गेम खेलेंगे, बहुत सारे गेम खेलेंगे, गेम में बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो आप सबको क्या करना है, अभी जो हम गेम खेलने वाले हैं, आप सबको अपने अपने मम्मी या पापा के फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स मुझे देनी है, ठीक है। हम इस छोटी सी गुड़िया से स्टार्ट करेंगे। आपको सबको मालूम है अपने मम्मी पापा का नंबर मालूम है? अच्छा, लेकिन जिससे पूछेंगे अपनी चांस में वही बोलेगा, ठीक है। और बाकी सब क्या करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, मैं वो जो नंबर बोलेंगे माइक पे अनाउंस करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी, आप यहाँ देखोगे और आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से चेक करना है। मैं एक नंबर उसमें कुछ घुमा दूंगी, चेंज कर दूंगी, ध्यान करना कौन सा नंबर मैंने चेंज किया, ठीक है। यस यस यस, हाँ जी जल्दी से बोलिए, लास्ट 2 नंबर 4-1 है ना, हाँ ठीक है 4-1। अच्छा जी 1-4, ठीक है नेक्स्ट। सोच के रखिए सब अपनी टर्न में। यस, लास्ट के 2 डिजिट्स 9-3। ओके, नेक्स्ट 1-8।
सब ध्यान देखो, ध्यान से बता देखना, उसको गिफ्ट मिलेगा जो गलती बताएगा यहाँ पर, ठीक है? इसलिए ध्यान से सब बोर्ड पे देखते रहो, मैं नंबर अनाउंस करती जा रही हूँ। 18 लास्ट नंबर बोला है। अच्छा, आप कौन बताएगा यहाँ से? आपको पता है 98? अच्छा, वेरी गुड, 98। यस, नेक्स्ट। अच्छा, 10 ले लेते हैं हम, 10। यस, नेक्स्ट। अच्छा चलो, आप बताओ। हाँ बताओ, 21। हाँ जी बताओ, 95। जी, लास्ट टू डिजिट्स 68। यस, 05। हाँ जी बताओ, 06 बोलो, 97। हाँ जी, 24। अच्छा अभी तक बताओ, मैंने कोई नंबर यहाँ पर चेंज किया क्या? नहीं, मैंने तो कोई भी नंबर अभी तक चेंज नहीं किया। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी तक मैंने कोई नंबर नहीं चेंज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे नंबर्स क्यों ले रही हूँ, क्या करेंगे इससे हम? क्या कोई मैथ्स का सम करने वाले हैं? वो भी कर सकते हैं, वो थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन अभी आपको मैथ्स का सम नहीं करना है। इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन से चेक करना है कि कोई डिजिट मैं चेंज तो नहीं करती हूँ। एंड सेकेंडली, ये जब मैं सारे नंबर्स ले लूँगी यहाँ पर, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको मुझे सही सही आंसर देना है, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से देखो, जो बातों में लगा रहेगा ना वो आंसर नहीं दे पाएगा। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट। हाँ उधर से बताओ, 03। नेक्स्ट, 15। आप लोग लाइन से नहीं बता रहे ना, इसलिए मेरे को बार बार देखना पड़ता है किधर से आवाज़ आई, नहीं तो लाइन से चले ना तो ईजी रहता है। अच्छा, मैं जिसको बोलूँगी वो बोलना। 15 बोला था ना, ओके। 15, देन आप बोलो रेड टी शर्ट में जो बैठे। 79। नेक्स्ट, हाँ जी आप बताइए। 59। 59, अच्छा हाँ आप बताओ बेटा। 79, ओके। नेक्स्ट, पीछे, हाँ बताओ। 76, ओके। सेवन सिक्स, यस आप बताओ। 35। नेक्स्ट, हाँ जी। 31, हाँ आप बताओ। 20, नेक्स्ट। 98, हाँ जी। 00, एंड वन लास्ट, यस 70। अच्छा जी, अब बताइए इनमें से कोई भी नंबर मैंने चेंज किया? नहीं किया, इसका मतलब आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं नंबर्स ले रही थी, मैंने आपसे कहा कि जब मैं आपसे सारे नंबर्स ले लूँगी तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये सारे नंबर्स जिस सीक्वेंस में आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो कोई किसी ने कभी दी, कोई दिया, कोई दिया, बड़ा रैंडमली सब ने दिया, लेकिन ये सारे नंबर्स अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको याद करने हैं और अभी याद करके मेरे को सुनाने हैं, तो क्या लगता है आपको कितना टाइम लगेगा ये सारे के सारे नंबर्स को याद करने में? हाँ, 10 मिनट्स। 100 साल बाद? बहुत साल बाद। अच्छा, बहुत साल, 3-4 जन्म। माई गॉड, ये आज के बच्चों की मेमोरी को क्या हो गया है? नहीं, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो,
बहुत दिन लगेंगे। अच्छा 10 मिनट्स, हाँ कुछ तो ठीक है, डाइजेस्ट होने वाली बात तो है। 3 घंटे, अच्छा चलो। हाँ आपको तो पहले से ही आते हैं, इजी है ना, ये तो वही बात हो गई, 0 से 9 तक नंबर से कैसे भी लगा लो। नहीं 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 वो नहीं सुनाना। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बिल्कुल। अच्छा देखो, आप सब में से कोई 10 मिनट कह रहा है, कोई 3 घंटा कह रहा है, कोई 3 दिन कह रहा है, कोई 3 जन्म भी कह रहा है, ठीक है ना। तो सबके वैरायटी आंसर्स हैं, क्योंकि इतना लंबा नंबर तो कभी किसी ने याद किया नहीं है ना, और आपको इसलिए अपने बारे में आइडिया नहीं लग रहा है कि हमें कितना टाइम लगेगा, है ना, जब करके देखे तो पता लगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारे के सारे नंबर्स मुझे याद करने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, 15-20 मिनट, सही बात है, आपके वैरायटी आंसर होंगे। हाँ जी 30 सेकेंड्स, अच्छा 30 मिनट्स, ओके 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 ठीक है, आपके वैरायटी आंसर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये याद हो गया, ठीक है, क्या समझते हैं, मुझे याद हो गया होगा? नो यस, अच्छा यहाँ भी कन्फ्यूजन है, तो इसका मतलब चेक कर लेते हैं। मैं एक बार इन नंबर्स को जरा अच्छे से देख लेती हूँ, ठीक है, एक बार देख लेती हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। ओके हाँ, अब मुझे ये सारे नंबर्स याद हो गए, ठीक है, सुनना चाहेंगे? हाँ ध्यान से चेक करना, ठीक है। और भाई देखो, गलती तो किसी से भी हो जाती है, अगर मुझसे गलती हो जाए तो बीच में नहीं बताना, जब मैं पूरी लिस्ट सुना दूँ उसके बाद बताना, आप नोट कर लेना अगर कोई गलती करूँगा। तो रेडी हो गए बिल्कुल ही, कॉपी पेन खोल के कि हाँ गलती करते ही हमें नोट करना है। चलो ठीक है ठीक है, अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, भाई कॉन्सेंट्रेशन की बात है, ठीक है। मैं आँखें बंद कर रही हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, सब ध्यान से देखेंगे और टैली करेंगे। अच्छा भाई हट गए बस, ठीक है ठीक है, चलो ओके। द सीक्वेंस इज 1 4 9 3 1 8 9 8 1 0 2 1 9 5 6 8 0 5 0 6 9 7 2 4 0 3 के बाद है 1 5 7 9 5 9 7 9 7 6 3 5 3 1 2 0 9 8 0 0 एंड द लास्ट इज, लास्ट का एक नंबर बताओ जरा। ओके ओके, 0 थोड़ी बताना था, 7 0, ठीक है ठीक है, करेक्ट बताया। हाँ अच्छा, 1 मिस्टेक, लास्ट मिस्टेक, ठीक है ओके। अच्छा पता है, अब मुझे इतने अच्छे से याद है, आपको तो उल्टा भी सुना दो, ठीक है ओके चलो। अच्छा अच्छा नहीं आप नहीं बोलो ना, मैं बोलती हूँ फिर मैं आपसे सुनूंगी। अच्छा इन द रिवर्स सीक्वेंस जरा देखो, 0 7 0 0 8 9 एंड 8 9 के बाद 0 2 1 3 5 3 6 7 9 7 9 5 9 7 एंड देन इट इज 5 1 3 0 एंड द सेकेंड लाइन इन द रिवर्स ऑर्डर इज 4 2 7 9 6 0 5 0 8 6 5 9 एंड आफ्टर दैट इट इज 1 2 0 1 8 9 8 1 3 9 4 1, राइट। अच्छा अभी हम आपके लिए भी तालियां बजाएंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपसे भी आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। हाँ बताऊंगी ना, आपको भी कराऊंगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपकी प्रेजेंट मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है उसका टेस्ट ले लें, रेडी? अरे वाह ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल टेस्ट से नहीं डरते, डरना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल टेस्ट है, आपको बड़े कॉन्सेंट्रेशन को यूज करते हुए इस टेस्ट को पास करना है, और इसके लिए आपको मैं टाइम दूंगी। देखो मैंने 5 सेकेंड्स के लिए देखा था, आपको 15 सेकेंड्स दूंगी, ठीक है। 15 सेकेंड्स में आपको नंबर्स नहीं दूंगी, आपको सिंपल वर्ड्स दूंगी, कैसे, लाइक पेन, डायरी, बैग, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, है ना, मास्क, माइक,
कैमरा, मिकी माउस, यस, इजी 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 वर्ड्स दूंगी. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है. एक्शन, ठीक है. अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. ओके, द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज एंट, मोबाइल, एलिफेंट, ब्रश, पोस्टर, ट्री, याद करना है आपको, स्पाइडरमैन, रेनबो, मग, बिस्किट्स, लेक, ड्रैगन, क्लाउड, अम्ब्रेला, शूज, 15 सेकेंड्स गॉन, टाइम पूरा हुआ. कितने याद हुए? मैं नहीं पूछ रही, अच्छा छोड़ो, ठीक है. हो सकते हैं अभी करोगे, नहीं हुए कोई बात नहीं, नॉट टू वरी. हाँ, कितने याद हो गए? एंट याद हो गया, वेरी गुड. बैठो 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 बैठो. दीदी देंगी बिस्किट, अभी बैठो 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 बैठो. सुनो, अच्छा अच्छा देखो, हम जब एग्जाम देते हैं पूरी क्लास इकट्ठे देती है क्या? एक पॉइंट मैं बताऊं, एक पॉइंट मैं बताऊं, एक पॉइंट मैं बताऊं, ऐसे देते हैं क्या टेस्ट? नहीं ना. अच्छा, तो अभी 15 के 15, ये देखो टीम वर्क हो रहा है यहाँ पर. टीम वर्क नहीं करो कोई भी, सुनो सुनो सुनो, टीम वर्क जहाँ करना है वहाँ करिएगा. यहाँ पे तो हम सबके ब्रेन में ये 15 वर्ड जाने चाहिए. अभी सीखना है? नहीं सीखना आपको? सीखना ही नहीं है? सीखना है, अच्छा सीखना है ना, तो जरा साइलेंटली थम्स अप करो. हाँ, क्योंकि समझने के लिए, सीखने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लिसनिंग के लिए साइलेंस इज इंपॉर्टेंट. इसलिए अब कोई क्लास में बोलेगा नहीं. वंस अगेन, जो सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीधे बैठेंगे, थम्स अप ऊपर करेंगे, बस. ओके, चलो अब फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स फिर से स्क्रीन की तरफ देखेंगे. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. देखो यहाँ पे एक छोटा सा एंट है, उसके हाथ में सैमसंग मोबाइल है, और मोबाइल से वो जंबो एलिफेंट को फोन कर रहा है. एलिफेंट की सूंड में देखो एक ब्लू कलर का ब्रश है, ब्रश से वो पेंटिंग पोस्टर बना रहा है. पोस्टर जो है नीम ट्री के ऊपर टंगा हुआ है, नीम ट्री के ऊपर एक स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन के हाथ से देखो रेनबो निकल रहा है, और वो एक रेड कलर के मग में जा रहा है, और मग में से क्रैक्स है, बिस्किट्स निकल रहे हैं, बिस्किट्स इस लेक में जा रहे हैं, लेक में से एक ड्रैगन निकल रहा है, ड्रैगन के मुंह से क्लाउड्स, क्लाउड्स में से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के ऊपर ब्लू कलर का शूज, और जिस शूज को एक्शन कंपनी का है 9 नंबर का है. टाइम अप. अच्छा अब जरा एंट, एंट के हाथ में फोन किसको कर रहा था? एलिफेंट की सूंड में ब्रश से पोस्टर किस पे था? नीम ट्री के ऊपर. स्पाइडरमैन के हाथ से रेनबो किस में जा रहा था? मग में से. बिस्किट्स कहाँ थे? लेक में से. ड्रैगन के मुंह से. क्लाउड्स में से. अम्ब्रेला के ऊपर. अच्छा अच्छा, अभी कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, बहुत ध्यान से सोच समझ के. आंसर आए तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, ठीक है? अगर आंसर आए तो अपने को 1 मार्क्स देना, नहीं आए तो 0 देना, ठीक है? खुद की सेल्फ चेकिंग है. सोच के बताओ, ध्यान से बताओ, मोबाइल की कंपनी कौन सी थी? अरे भाई आराम से सोच के बताओ, इतनी जल्दी क्या है? ओके अच्छा ये बताओ, सोच समझ के, पेन का कलर कौन सा था? राइट. अच्छा अच्छा अच्छा, मग का कलर कौन सा था? अच्छा अच्छा, ये सोच के बताओ, शूज का कलर कौन सा था? अच्छा, कौन सी कंपनी के शूज थे? कौन सा नंबर था? अच्छा अच्छा, बिस्किट्स कौन से थे? येलो थे. हाँ, लाइट ब्राउन थे.
सारे ही बिस्किट लाइट ब्राउन होते हैं, लेकिन ये वाले कौन से बिस्किट थे? क्रैक जैक बिस्किट्स थे, क्रैक जैक बिस्किट्स थे। हाँ, क्रैक जैक बच्चे खाते हैं, क्रीम वाले बिस्किट्स खाते हैं। आप खाते हो? अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ लेक में डिप हुए हुए थे, ठीक है, लेक में डिप करके भी खा सकते हैं। ओके, जरा सोच के बताओ। अच्छा एक बात ध्यान से बताओ, रेनबो से पहले क्या था? स्पाइडरमैन से पहले क्या था? रेनबो के बाद क्या था? वेरी गुड भाई, पहले बात सब कुछ याद है, ठीक है, पूरा याद है, ठीक है, वेरी गुड। जरा अब अपने लिए तालियां बजाओ। अच्छा आज आपको क्यों याद हुआ? क्योंकि आपने भी वही ब्रेन के प्रिंसिपल्स, मेमोरी के प्रिंसिपल्स यूज करे जो मैंने किए थे उन नंबर्स के लिए। ओके, तो वो लॉज जो हैं उन लॉज को हम समराइज कर सकते हैं एक स्मॉल वर्ड में, विच इज कॉल्ड एयर। एयर, चलो आपको एयर में यहाँ पे बताती हूँ। ए आई आर, हाँ ए आई आर, फॉर द टाइम बीइंग हम लाइट खोल सकते हैं, जिससे बच्चे अपनी कॉपीज में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ए आई आर, ए स्टैंड्स फॉर, यस बेटा, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब इसका क्या मतलब है ध्यान से समझेंगे। आपसे मैंने पूछा स्पाइडरमैन से पहले क्या था? ट्री। स्पाइडरमैन के बाद क्या था? हाँ, रेनबो। अच्छा जितनों ने बताया आगे पीछे सही बताया, किसी ने नहीं कहा क्लाउड्स था, शूज था, एलिफेंट था, नहीं कहा। वाई? बिकॉज रेनबो से जो स्पाइडरमैन से कनेक्टेड, आगे से रेनबो है और पीछे से ट्री है, तो ये इसको कहते हैं, इस कनेक्शन को कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन, कनेक्ट करके, जोड़ के जब हम चीजों को याद करते हैं, ठीक है। अच्छा आई स्टैंड्स फॉर, हमने जोड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे पूछा आपने आंसर एक सेकंड में दिया, कि आपको लिस्ट में जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने कहा स्पाइडरमैन के बाद क्या था, आपके माइंड में एक पिक्चर आई जो मैंने दिखाई थी, लेकिन अभी वो पिक्चर सामने नहीं है, आपके माइंड में है, है ना। तो इमेजिनेशन से आपके सामने आंसर एक सेकंड में आ रहा है, इमेज से। तो आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनेशन, ठीक है, दिमाग में देखना। जब हम देखते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। बताओ बताओ, कोई बता सकता है आर से? आर से रिविजन, यस, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अभी पता है आपको मैंने क्या कराया? आपको पता भी नहीं लगा, मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना, और उसके बाद मैंने इमीडिएटली आपसे पूछा, तो वो क्या हुआ, माइंड में रिविजन हुआ, रिवाइज हो गया। और एक बार रिवाइज होने के बाद मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ लूँ आपको याद रहेगा, क्योंकि रिविजन मतलब जैसे ब्रेन में फेविकॉल लगा दिया। ओके, फिर वो कोई भी चीज आपके ब्रेन में अच्छे से स्टिक हो जाती है। अच्छा रिविजन का भी एक रूल है, एक रिविजन उसी टाइम करनी होती है, एक रिविजन, ध्यान से सुन रहे हो पावरफुल स्टार, ध्यान से सुनो, एन, यस, हेयर इट इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ऑल्सो एन, नहीं एन को ही एन बनाया है, वो थोड़ा सा पेन स्लिप हो गया था, एसोसिएशन है ना, एन ही है। अच्छा तो रिविजन सुनो सभी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फॉर मेमोरी। नहीं पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो, पहले एक बार सुन लो, आंसर मिल जाएगा आपको। अच्छा सुनाओ सुनाओ, एसोसिएशन का मतलब होता है, जैसे आप दोनों भाई हो क्या? मुझे कैसे पता लगा, मैं तो पहली बार आई हूँ, बताऊँ मुझे कैसे पता लगा? एक तो आपके फेसेस मिलते हैं, आप दोनों की ड्रेस भी सेम है लगभग लगभग, तो ये एसोसिएशन, ये लिंक, जिससे मुझे आइडिया लगा कि ज़रूर दोनों भाई होंगे। समझ आया एसोसिएशन का मतलब? यस ओके,
है ना, देखा कैसे पता लगा, एसोसिएशन से। हाँ ओके ओके गुड। सो रिविजन एक तो उसी टाइम करनी चाहिए जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हाथ की हाथ कर सकें, फिर विद इन 24 आवर्स, स्पेशली सोने से पहले अगर आप रिविजन करते हैं तो आपके ब्रेन में वो बहुत अच्छे से रजिस्टर हो जाता है, बहुत लंबे समय तक रहता है जो आप विद इन 24 आवर्स करते हो। और आप सोने से पहले क्या करते हो, कोई वीडियो देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, टीवी देखते हो, तो किसकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, उस सीरियल की, उस टीवी की, फिल्म की हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए तो हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता उसको याद करने में। लेकिन अगर हमने जो स्कूल में पढ़ा या यहाँ कैंप में पढ़ा उसको सोने से पहले हम रिवाइज करके सोएंगे, तो पता है आपको जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी सो जाती है, लेकिन आपका ब्रेन उस टाइम उन सारी मेमोरीज को एक्टिवेट करता है। आपका ब्रेन जैसे कंप्यूटर में फाइल सेव होती है ना, जब हम सोते हैं तो सारी फाइल्स यहाँ पर सेव होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कौन सी फाइल सेव ज़्यादा होती है, जो लास्ट में आपने पढ़ा होता है सोने से पहले। तो सोने से पहले मेक इट अ रूल कभी हम टीवी नहीं देखेंगे। आज कौन प्रॉमिस करेगा इस बात का, टीवी देखो मनाही नहीं है, इवनिंग टाइम में देखो, सोने से जस्ट पहले कोई टीवी, यूट्यूब, हाँ कोई नेटफ्लिक्स। ओके वेरी गुड, यस हाँ, फिर वॉच टीवी एंड देन रिवाइज एंड देन गो टू स्लीप, ठीक है। और फिर एक और बात बताऊंगी रिवीजन के बाद क्या करना चाहिए सोने से पहले, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। हाँ जी बात सुनाओ जल्दी से, पॉज हो गया, अब आप बस अब पॉज रहो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एयर प्रिंसिपल लिख लिया सबने, अच्छा किस किस को समझ में आ गया, ओके आप समझाओ जरा एक बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। What is your name? Bhumik. Bhumik. Bhumik, what, which class? Seventh. Very good. Bhumik हमको बताएगा air का क्या मतलब है। और आपको ध्यान से सुनना है और घर जाके किसी एक को सिखाना है आपके, ठीक है? बताओ। Air का मतलब होता है A मतलब association, I मतलब imagination और R मतलब revision। हमें पहले सबसे पहले हमें एसोसिएशन करनी होती है हमारे माइंड में, उसके बाद हमें आई से इमेजिन करना है जो हमने याद करे उसको हमें पहले इमेजिन करना है हमारे दिमाग में ताकि हम अच्छे से और याद कर सकें। और जब हम इमेजिन भी कर लेते हैं अपने माइंड में उसके बाद हमें रिवीजन करनी होती है, फिर हमें रिवीजन करके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। फिर 24 आवर्स की रिवीजन के बाद हमें 1 वीक बाद फिर रिवाइज करना चाहिए और फिर 1 मंथ बाद, ये रूल है इसको लिख लो, ठीक है। थैंक यू बेटा, क्लैपिंग फॉर हिम। आप भी बैठ जाओ। हाँ ओहो, ये मैम को एन ठीक से बनाना सिखाई देंगे। हाँ ये ऐसे एन ही है ये, ठीक है। हाँ हाँ जी बस, अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो आपकी मैथ्स को बहुत अच्छा कर देगी। अच्छे से ही आता है, चलो ठीक है, एक टेस्ट हो जाए फिर आपका। अच्छा तो आप मुझे बताएंगे, मैंने सेकंड लाइन में कौन से डिजिट्स लिखे थे बताओ। नाइन फाइव तो सही बता दिया, नहीं 9 5 के बाद 6 8 था, 5 0 तो था ही नहीं। हाँ 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 0 5 था। अच्छा 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 अच्छा, अब मान लीजिए इस नंबर को, ये तो बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, इधर देखो अब 9 5 6 8 0 5, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है इतने बड़े नंबर से, अब बताओ मैथ्स में कौन होशियार है, कर लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी सो कर तो लेंगे, लेकिन इसको करने में टाइम बहुत सारा लगेगा, है ना, बहुत सारा टाइम लगेगा।
अच्छा, वेरी गुड। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। 5-6 मिनट्स लगेंगे आपको करने में। 5 आंसर होगा। अच्छा, और देखते हैं इसका आंसर, देखते चलो। दिस इज द आंसर। यस, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेटर पे चेक भी कर रहे हैं, आ जाएगा आपके कैलकुलेटर पे इतना लंबा आंसर? आ गया, राइट है। अच्छा, आपके उस पर पूरा नहीं आ रहा ना, इसलिए उसमें वो डॉट आके ई आ गया होगा, एरर आ गया होगा पूरा। ठीक है, आपने कंफर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप सीखना चाहते हैं कैसे किया? हाँ हाँ जी, आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, मैच कर लिया। अच्छा, अब सीखो सीखो सीखो। 36। अब मैं आपको ये टेक्निक सिखा रही हूँ थोड़े छोटे नंबर्स में, लाइक लेट से 36 मल्टीप्लाइड बाय 99। अच्छा, अब आप बता दो कैसे करेंगे। अच्छा, अच्छा, अब आप ये बताओ, आप कैंप में सीखने आए हो तो सीखोगे कैसे? नहीं, सीखोगे कैसे? जब आप किसी मैम की सुनोगे तो सीखोगे, या मैम को सिखाओगे तो सीखोगे? कैसे सीखोगे बताओ, है ना? तो आपको सिखाना घर जाके है, मम्मी पापा को सिखाना, लेकिन कब सिखाओगे? जब आप सुनोगे, है ना? तो इसलिए अभी आपको क्या करना है, क्या करना है, कैसे? बिना बोले। और कान खोल के, आंख खोल के सुनना है, ठीक है? इसको कम यूज करना है, इसको और इसको ज्यादा यूज करना है, तो ये यहाँ की दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, ठीक है? बैठो। हाँ, देखो कैसे आएगा, सुनो सुनो। नहीं भाई, सुनो तो सही, आप सुनोगे नहीं तो आंसर गड़बड़ी आएगा, ध्यान से सुनो। अब इसको कैसे करना है आंसर को, बहुत सिंपल तरीका है। इसका आंसर दो पार्ट्स में आएगा। पहले क्या करो, इसमें से माइनस वन कर दो। 36 में से माइनस वन करोगे, अब ये जो 35 आया है इसको नाइन्स में से माइनस करो। 9 - 3 बोलो बोलो, 6। 9 - 5 4। इसलिए आंसर क्या आएगा, 3, 5, 6, 4, ये आंसर है। कैसे आया ये आंसर, समझा आपने? 36 में से 1 माइनस किया 35, और 35 जो आया लेफ्ट साइड में उसको 9 में से माइनस कर दिया। 9 - 3 - 6, 9 - 5 - 4, ठीक है? अब देखो, कान खोल के उसकी नहीं सुननी, इधर सुननी है। हाँ बताती हूँ, ये सबको समझ में आया? जिन्होंने सुना होगा उनको समझ आया होगा। पहले आप सीख तो लो बच्चे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट देखिए, 9, 5, 6, 8, 0, 5 क्या करेंगे इसमें? माइनस वन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 9, 5, 6, 8, 0, 4, ये हो गया 1/2 ऑफ द आंसर। दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, 9 - 9 = 0, 9 - 5 - 4, 9 - 6 - 3, 9 - 8 - 1, 9 - 0 - 9, एंड 9 - 4 - 5, आंसर ठीक है? कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, सब करेंगे अपनी कॉपीज में। 48 × 99 सभी करिए अपनी कॉपीज में, मैं देखती हूँ सबसे पहले कौन करके लाता है। हाँ जी, माइनस नाइन हर डिजिट के साथ हो गया,
जब नाइन्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे. हाँ डन. अच्छा नहीं, केवल नाइन्स से ही. ये मल्टीप्लिकेशन केवल नाइन्स के साथ है. आप बताओ. नहीं मुझे दिखा दो बस दूर से. ओके सिट डाउन. ओके ओके क्या लिखा आपने? ये थोड़ी लिखना था, ये लिखकर इसका आंसर निकालो ना. आंसर निकालो जो अभी टेक्निक सीखी है. अभी मैं आंसर यही बताऊंगी, आप चेक कर लेना. बैठो बैठो. देखो कैसे करना है. अब देखो सब चेक करो अपना. माइनस वन किया तो क्या आया? 47. और अब इसको आप नाइन्स में से माइनस करोगे. नाइन देखो चेक करो यहाँ से बेटा. नाइन माइनस फोर फाइव. नाइन माइनस सेवन टू. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. इसीलिए मैंने बोला था ना, यहाँ जो आएगा उससे माइनस करना. हाँ हाँ बैठो 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 बैठो. हाँ ठीक है बैठो. हाँ ओके ओके ओके. हाँ पूछिए. हमें उस नंबर से नहीं करना ना, जो लेफ्ट साइड में आया उस नंबर को नाइन्स में से करना है ना. ये आंसर है, अगर ये है तो सही है. हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया सबको. अभी मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ जो आप सबके बहुत काम आने वाली है. ये वाली टेक्निक तो आपको तब काम आएगी जब आप नाइन्स से केवल मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और वो भी जितने डिजिट्स हों उतनी नाइन्स हों. लेकिन अभी मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ वो आपको टेबल्स बताने वाली हूँ. टेबल्स यहाँ पर किस किस को 19 तक की टेबल्स आती हैं? आज आ जाएंगी सबको. ठीक है. अच्छा 9 तक की टेबल्स कितनों को आती है? अच्छा 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 वेरी गुड वेरी गुड. वो तो 9 तक की तो सबको आती है. ओके 2 × 1 = 2. चलो 2 का टेबल बताओ. ओके ठीक है. चलो 2 × 10 = 20 भी लिख देते हैं. अच्छा 2 के टेबल में तो सब पास हो गए. अभी देखो 12 का टेबल आप में से बहुतों को आता होगा. ठीक है ओके. तो चेक करना. ठीक है चेक करना आपको आता है तो. देखो 12 × 1 = 12. ये तो सबको पता होगा है ना. जिसको नई भी टेबल आता उसको भी पता होगा. अब ध्यान से देखो ये कैसे आया. जब 2 × 1 = 2 है इसमें हम ऐसा करते 02 04 06 08 लिख लेते हैं. तो जब 2 × 1 = 2 है इस 1 को हम यहाँ लेके जाते हैं और ऐड कर देते हैं 0 में तो क्या बन जाएगा? 12. 12 × 2 इस 2 को 24. फिर 3 को यहाँ लेकर जाएंगे तो 36. बच्चे बाकी सब बच्चे भी है ना. हाँ आप बैठो नीचे बैठो. ओके अब क्या बनेगा? देखो 4 को इधर लेके जाएंगे तो 60. अब 5 में क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 72. वेरी गुड. ठीक है ऑल पास. 12 का टेबल तो आ गया. ठीक है इसका मतलब हमें करना क्या है? ध्यान से देखो सभी बच्चे. 12 × 8 अगर मुझसे पूछा जाए और मुझे अगर 12 का टेबल नहीं आता तो हम क्या करेंगे? 2 × 8 तो सबको आता है. सो
टू इंटू एट, अभी जो लिख रहे हैं वो भी प्लीज ऊपर देखें सभी, 2 × 8 इज 16, 8 इज इक्वल टू 16, इस 8 को ले जाओ 1 में ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, सो 12 × 8 इज 96, ओके 12 × 8 इज 96। अच्छा अब हाँ पूछो पूछो, ओके बेटा आई वोंट रब इट, यू कैन कॉपी इट। चलो सभी को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सब कॉपी कर लो, बहुत अच्छी बात है, इसको नोट करो और ये सारी टेक्निक्स आप घर जाके किसी को जरूर सिखाओगे, उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। यस हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये 5 हो जाएगा ना, 2 × 5 हो जाएगा। लिख लिया? अच्छा अच्छा लिखो। जो जो लिख ले वो अपना जरा ऐसे थम्स अप दिखा दे मुझे। ओके थैंक यू। अच्छा ये लिख लिया 2 का टेबल, ये हटा दूं 2 का? नहीं सिर्फ ऊपर का हटा देते हैं, इतना हटा देते हैं, इतना तो लिख लिया ना। अच्छा अच्छा कोई बात, 4 चल रहा था, 2 × 1 चल रहा था। अच्छा फिर आप किसी और से कॉपी कर लेना, ठीक है, कोई इसको हेल्प कर देना थोड़ा सा। 2 की टेबल तो आपको आती है ना, अच्छा अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ, सुनिए सभी। अब मैं सबके लिए आपको एक कॉमन बात बता रही हूँ, आपको अलग अलग टेबल नहीं याद करना पड़ेगा। देखो आप बेटा इसको बाद में समझा देना, अभी यहाँ समझ लो, अभी 10 मिनट्स में पूरा करते हैं। देखो 17 × 6, ध्यान से देखो 17 × 6, 17 की टेबल तो मुझे आती नहीं है, तो क्या करेंगे 7 × 6 करते हैं हम, ठीक है 7 × 6 इज 42। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वल टू के इधर और उधर जो दोनों नंबर्स हैं उनको ध्यान करना है। 6 = 42, 6 = 42 क्या करेंगे, 6 को ले जाएंगे 4 में ऐड कर देंगे 102, बिकॉज 6 + 4 इज 10 एंड 2 102, 102 किसका आंसर आया 17 × 6 का, ठीक है इजी है, समझ आ रहा है। अच्छा देखो किसी को भी कंफ्यूजन है आप मेरे से पूछो। देखो जैसे हमने 12 के टेबल में किया था ना, सेम हम 17 के टेबल में या 14 के टेबल में या 13 के टेबल में, वी कैन अप्लाई टू एनी टेबल टिल 19। सो 17 × 6 के लिए 7 × 6 करेंगे, क्योंकि 17 का टेबल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 7 का हमें आता है। 7 × 6 इज 42, 6 = 42, ठीक है, तो 6 को लेकर जाएंगे 42 के 4 में ऐड कर देंगे, जैसे हम 12 के टेबल में कर रहे थे ना, 6 को 1 में ऐड कर दिया, ऐसे यहाँ 6 को यहाँ 4 में ऐड कर देंगे, तो 6 + 4 = 10 एंड 2 = 102। अच्छा अभी सभी अपनी कॉपीज में करेंगे जी, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 9 आएगा इधर 18, देखिए सभी, हाँ 13 × 8 कैसे करेंगे, 3 × 8
ठीक है, 3 × 8 इज 24 और हम अब इसको फोकस करेंगे 8 = 24, 8 को ले जाएंगे 104. क्लियर हुआ सबको? ऐसे ही 19 का टेबल भी कर सकते हो. अब इसको क्या करना है, मेंटली आपको विजुलाइज करना है. देखो मैं आपको कराती हूँ, सभी मेरी तरफ देखो, सभी मेरी तरफ देखो, जो भी कर रहे हो एक बार छोड़ दो. अच्छा अभी देखो, बहुत एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं. 13 × डोंट गिव द आंसर. हम आपका पेशेंस भी चेक कर रहे हैं, आपका हाजमा भी चेक कर रहे हैं, आप पेट में कितना रख सकते हो या सब कुछ बाहर निकाल दोगे फटाफट से. अगर आंसर आ जाता है और उसको आप अपने पेट में रखते हो, इसका मतलब हाजमा ठीक है. ओके चलो अब सभी जरा मेरी तरफ देखेंगे, लिखेगा कोई भी नहीं, बिकॉज दिस इज द वे यू हैव टू प्रैक्टिस. 13 × 4, मेरी स्पीड से चलना, मेरी स्पीड स्लो है थोड़ी. 13 × 4 का मतलब 3 × 4, 3 × 4, ऊपर देखो सभी, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 4 = 12. अब इसको देखो माइंड में, इमेजिनेशन करो, 4 = मैं यहां दिखा रही हूं, इधर देखो 4 = 12, 4 = 12. अब इस 4 को ले जाओ 12 के 1 में ऐड करो जल्दी से, 5 and 2 = 52. सो 13 × 4 = 52. क्लियर? कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा. एयर प्रिंसिपल किया ना हमने, क्या करना है, 17 की टेबल को 7 की टेबल से एसोसिएट करना है, फिर माइंड में ऐसे इमेजिन करना है. ठीक है, इमेजिन करके फिर आंसर निकालना है. और धीरे धीरे जब आप इसको अपनी प्रैक्टिस अच्छी करते जाओगे तो ये बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी टेक्निक. शुरू में स्लो होगी क्योंकि इट विल टेक टाइम, आप ऐड करोगे सब करोगे, और इसके लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाए. इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, करेंगे सभी? ओके ये रोज रात को सोने से पहले करनी है, हाँ, और उठने के बाद भी करनी है. ओके ये 5-step एक्सरसाइज है, सभी करेंगे? यस बच्चों, कहाँ देख रहे हो, 5-step एक्सरसाइज सभी करेंगे? तो कॉपी पेन बंद कर दो, फॉर द टाइम बीइंग बंद कर दो. और ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी परी एंजल, आप मेरी तरफ आ जाओ, मुंह इधर कर लो, ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कम 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 इधर आ जाओ, कम नहीं नहीं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर. देखो ये करके दिखाएगी, आप सब इसके पीछे पीछे करोगे. ठीक है, व्हाट इज योर नेम? शिल्पी. शिल्पी, शिल्पी, ओके शिल्पी करके बताएगी. शिल्पी आप मुझे देख के करना, ठीक है? आप सभी बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, क्योंकि आप सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कौन हो, तारे जमीन पर, है ना, गॉड्स एंजल्स हो ना, है ना, तो आप कैसे एंजल्स हो. सभी करेंगे, आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार, करो शिल्पी करो, आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार. हाँ बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, चमकते हुए, अरे बड़ा बड़ा स्टार चमकाओ ना, हाँ सबके सबको दिखाओ. आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार. भाई कहाँ चले गए आप स्पार्कल करते करते? ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, आवाज लगा लगा के भी सुनाई ना दे, ऐसा पढ़ाई में खो जाना चाहिए. चलो आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार. ओके देखो अपने आप को जरा चमकता हुआ, अरे भाई चमको, इधर उधर नहीं देखो, हाँ ऐसे, तुम भी भाई, हाँ. अच्छा आप सभी क्या करेंगे, अपना राइट थंब, राइट थंब भाई, राइट, दोनों थंब नहीं कहा, राइट थंब, राइट थंब को धीरे 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 अपने मस्तक पे लेके जाएंगे, फोरहेड पे, और तिलक लगाएंगे, आई एम अ सक्सेसफुल स्टार, आई एम अ सक्सेसफुल स्टार. बच्चे अपने को करो तिलक लगाओ, औरों को नहीं देखो, तिलक लगाओ,
तिलक लगाओ राइट हैंड से, राइट थंब से. चलो सब तिलक लगाओ एक बार. आई एम अ सक्सेसफुल स्टार. आप जरा सब राइट हैंड ऊपर करेंगे. आई एम अ पावरफुल स्टार. एंजल एंजल यस ऊपर. आई एम अ पावरफुल स्टार. यस आई एम अ पावरफुल स्टार. यस. फिर आई एम अ ब्लेसिंग स्टार. कैसे ब्लेस करेंगे सबको? सबके लिए अच्छा सोच के. दिल से करो, कोई बात नहीं, दिल नहीं ढीला होगा. ठीक है, ब्लेसिंग, सबको ब्लेसिंग देना. और फिर आई एम अ कंपेनियन स्टार. और कौन है आपका कंपेनियन? ये आपके साथ एग्जाम देने जाएगा? जाएगा आपकी क्लास में? नहीं जाएगा ना. हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कंपेनियन किसको बनाए? गॉड को कंपेनियन बनाए. ठीक है, जो आपके साथ हर जगह जा सकता है. फाइन, जरा करो. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव. अभी सब बिल्कुल सीधा एक मिनट के लिए बैठेंगे आईज क्लोज करके, और मैं जो बोलूंगी आप उसे महसूस करेंगे. हाँ आप भी बैठ जाओ आप, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस. व्हाट इज योर नेम बेटा? आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ. कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, उसको बाद में आंसू पोछना. आप इधर आ जाओ. चलो क्लोज योर आईज, इधर आओ. व्हाट्स योर नेम? हर्षित. हर्षित बिल्कुल स्माइल देते हुए आईज क्लोज करके खड़े होंगे सीधा. बाकी सब आईज क्लोज करके अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सीधा अपने आप में फील करें. आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार. देखें जैसे अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, और अपने शीशे में इमेज में देखें कि मस्तक के बीच में, आपके फोरहेड के बीच में एक